मैं हूं आजाद और आप देख रहे हैं अमेरिकन लिंगुआ माय चैनल। न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करें। आज जो है हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज सीखने जा रहे हैं ऑन के बारे में। ऑन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन लोग जो है गलत यूज़ कर लेते हैं कई जगहों पर। छोटी चीज़ें पता है लोगों को, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊँगा ऑन के बारे में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑन को हम यूज़ करते हैं स्पेशली डेट से पहले। जब भी डेट बताते हैं कोई तो हम ऑन लगाते हैं। कोई डेज डे जो है संडे मंडे ट्यूसडे उससे पहले हम ऑन लगाते हैं। कोई फ्लैट सरफेस होता है, हार्ड फ्लैट सरफेस जैसे कि टेबल है, रूफ है, कोई भी फ्लोर है, उसके लिए हम ऑन लगा सकते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब सेलफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, रेडियोज़ हैं, एफएम रेडियो हैं, या जो चैनल्स हैं या टीवी हैं, जिन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ऑडियो या वीडियो आता है, उन सबसे पहले आपको ऑन लगाना है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं सारे यूजेस के। पहले डेट वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आप कोई डेट एक्सप्लेन करते हैं तो ऑन कैसे लगाते हैं। आई मेट माई अंकल ऑन 26 फरवरी। तो 26 जो है यहाँ डेट है, उससे पहले हमने ऑन लगा लिया। अब हम बात करेंगे डे के बारे में, डेज के बारे में। संडे मंडे से पहले भी हम ऑन लगाते हैं। आई विल कम बैक फ्रॉम माई विलेज ऑन मंडे। ऑन मंडे से पहले मैंने यहाँ पे लगा लिया है। कुछ लोग एक छोटी सी गलती करते हैं, पता है क्या कहते हैं, आई मेट माई अंकल ऑन लास्ट संडे। तो यहाँ पे ऑन नहीं लगा सकते हम, लास्ट से पहले हम ऑन नहीं लगा सकते। ऑन संडे सही है, ऑन लास्ट संडे गलत है। तो हमेशा डे से पहले आपको ऑन लगाना है, ना कि लास्ट से, नेक्स्ट से, ऐसे नहीं लगाना। आप ये नहीं कह सकते कि शी मेट मी ऑन लास्ट फ्राइडे। आप ये भी नहीं कह सकते कि आई विल मीट हर ऑन नेक्स्ट मंडे, ये गलत है। ऑन आप किस कंडीशन में लगा सकते हैं कि जब ऑन के बाद कोई डे हो, कोई दिन हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और तीसरा जो मैं बता रहा था, फ्लैट हार्ड सरफेस। फ्लैट हार्ड सरफेस क्या होता है, जैसे आई कैप्ट माई बुक ऑन द टेबल। अब टेबल जो है वो हार्ड सरफेस है, तो ऑन द टेबल हम यूज कर लेते हैं। शी वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। शी वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे हमने ऑन यूज कर लिया हार्ड सरफेस। लेकिन कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो जो हार्ड सरफेस नहीं है उसके लिए भी ऑन लगा लेते हैं। जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड। ऑन द बेड नहीं लगा सकते आप, वो गलत है। आपको क्या लगाना है, आई वॉज स्लीपिंग इन द बेड। जितनी भी चीजें हैं जो पफेबल होती हैं, जो दब जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, हार्ड सरफेस नहीं होता, अगर आप उन पर लेटते बैठते हैं तो फिर आप ऑन नहीं लगाते, फिर आपको इन लगाना पड़ेगा। यू कैन अंडरस्टैंड। तो हार्ड सरफेस होना बहुत जरूरी है, इस चीज को समझो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। I watch movies on laptop. She was listening music on FM. I saw a movie on Zee Cinema. He was working on computer. ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो या फिर सेलफोन। इन पे आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर इनसे पहले हमें ऑन लगाना चाहिए। और एक लास्ट यूज हो रहा है उनका, वो है फेस्टिवल से पहले भी हम ऑन यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम कमिंग ऑन होली एंड शी केम इन इंडिया ऑन दीपावली। तो ये था ऑन का यूज। आई होप आपको पसंद आया होगा। ज्यादा वीडियोस के लिए, इंग्लिश के ज्ञान के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।